पर इंसान मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो। ओम शांति। आज 11 मार्च है। आज हम सबके अति प्यारे अति स्नेही बाप दादा के नैनों की कोहिनूर बाप दादा को अपने दिल में बसाई हम सब आत्माओं का मिलन परमात्मा से कराने वाली छोटा नंदी गुलजार दादी का स्मृति दिवस है। और मुरली के लास्ट में हम दादी के अनमोल वचन सुनेंगे। आज की मुरली के सार में सत संग और कुसंग का बाबा ने भावार्थ बताया कि सत है एक परमपिता परमात्मा, उनके साथ बुद्धि का योग लगाने से आत्मा पार हो जाती है अर्थात तर जाती है, और कुसंग अर्थात देह अभिमान में आते हैं तो नीचे गिरती कला की ओर जाते हैं क्योंकि संग का रंग लग जाता है। इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग डुबोए। इसलिए कहा देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, एक बाबा का सच्चा संग करने से बाबा को याद करने से आत्मा पावन बन जाएंगी। और बाबा ने कहा बच्चों की दो क्लास हो गई, एक है याद की यात्रा की जिससे पाप कटते हैं आत्मा पवित्र बनती जाती है, और दूसरा क्लास होता है ज्ञान का जिससे आत्मा को आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। याद की यात्रा यह अजपा जाप है, जाप कुछ करना नहीं है, निरंतर अंदर ही अंदर एक बाप को याद करना है। और विशेष कहा कि बच्चों को बैच पर सर्विस करनी है, सबसे बड़ा शास्त्र है यह बैच। और विशेष सेवा करने के लिए कहा कि हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सर्जन मरीज आदि को भी समझाना है कि सबसे बड़ा अविनाशी बेहद का सर्जन है शिव बाबा, उनको याद करने से हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं, भविष्य 21 जन्म के लिए हम गारंटी करते हैं कभी बीमार नहीं होंगे, एक बाप को याद करने से ही तुम्हारी आयु बड़ी होगी। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता है, खा नहीं सकता। आज मुरली से प्रश्न है सत का संग तारे कुसंग बोरे, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा तुम अभी सत का संग करते हो अर्थात बाप से बुद्धि योग लगाते हो तो पार हो जाते हो, फिर धीरे धीरे कुसंग अर्थात देह के अभिमान में आते हो तो उतरते जाते हो, क्योंकि संग का रंग लगता है। इसलिए कहा जाता है सत का संग तारे कुसंग बोरे। तुम देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप का संग करो अर्थात बाप को याद करो तो बाप समान पावन बन जाएंगे। ओम शांति। अब बच्चों की दो क्लास हो गई, यह अच्छा है, एक याद की यात्रा जिससे पाप कट जाते हैं आत्मा पवित्र बनती जाती है, और दूसरा क्लास होता है ज्ञान का। ज्ञान भी सहज है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तुम्हारे सेंटर और यहाँ में फर्क रहता है, यहाँ तो बाप बैठे हैं और बच्चे हैं, यह मेला है बाप और बच्चों का, और तुम्हारे सेंटर में मेला लगता है बच्चों का आपस में, इसलिए बच्चे सन्मुख आते हैं। बाबा अंतर बता रहे हैं दोनों क्लास का कि यहाँ बाप और बच्चे सन्मुख होते हैं, वहाँ बच्चे बच्चों के सन्मुख होते हैं। बल याद करते हैं परंतु तुम सन्मुख देखते हो, तुम ही से बैठूं तुम ही से बातचीत करूं। बाप ने समझाया है बाप और बच्चों की एक्टिविटी में फर्क है। ख्याल करो इसमें ब्रह्मा में शिव बाबा का पार्ट क्या है और रथ का पार्ट क्या है? क्या बाप रथ द्वारा खेल सकते हैं? तो बाबा ने कहा हाँ खेल सकते हैं। जब कहते हैं तुम ही से बैठूं ऐसे ही तुम ही से खाऊं, क्योंकि खुद तो वह खाते नहीं, बच्चों साथ खेलना कूदना वह तो बाप खुद समझते हैं, दोनों खेलते हैं बाप और दादा, करते तो सब कुछ यहाँ ही तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि वह सुप्रीम टीचर भी है। टीचर का तो काम है बच्चों को बहलाना, इंडोर गेम होती है ना, बाबा कहते हैं इंडोर गेम होती है ना, यह बाबा के साथ सर्व संबंधों से साथ में रहना, यह हो गई इंडोर गेम। आजकल तो गेम्स भी बहुत निकल गई हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की। सबसे नामी ग्रामी है चौपड़ का खेल जिसको हम लूडो भी कहते हैं, जिसका महाभारत में वर्णन है, परंतु वह जुआ के रूप में है, जुआ वालों को पकड़ते हैं। यह सब भक्ति मार्ग के पुस्तकों से बातें निकली हैं।
तुम जानते हो यह व्रत नेम आदि सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। निर्जल रखते हैं, खाना भी नहीं खाते तो पानी भी नहीं पीते। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती भी है तो अल्पकाल की। यहाँ तो तुम बच्चों को सब समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में धक्के बहुत खाते हैं। ज्ञान मार्ग है सुख का मार्ग, तुम जान गए हो। हम सुख का वर्षा बाप से ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी याद करना होता है एक को। एक की पूजा ही अव्यभिचारी पूजा है, वह भी अच्छी है। भक्ति भी सतो रजो तमो होती है। सबसे ऊंचते ऊंच सतो गुणी है शिव बाबा की भक्ति। शिव बाबा ही आकर सब बच्चों को सुख धाम में ले जाते हैं। जो सबसे जास्ती बच्चों की सेवा करते हैं, पावन बनाते, उनको पुकारते भी हैं, फिर कहते ठिकर भीतर में है, यह ग्लानी हुई ना। बाबा कहते हैं एक तरफ इतनी महिमा करके बुलाते हैं, फिर दूसरी ओर ठिकर भीतर में कह देते हैं, तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा राज्य भाग्य मिला था, फिर मिलना है जरूर। तुम ज्ञान को अलग, भक्ति को अलग समझते हो। राम राज्य और रावण राज्य कैसे चलता है यह भी तुम नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, इसलिए पर्चे आदि में छपाते रहते हो, क्योंकि मनुष्य को सच्ची समझानी भी चाहिए ना। तुम्हारा सब कुछ सच है। बाबा कहते हैं तुम्हारे ज्ञान की हर एक बात सच है, सच ही तुम सबको सुनाते हो। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, सर्विस तो बहुत है। यह बैज ही कितना अच्छा है सर्विस के लिए, सबसे बड़ा शास्त्र है यह बैज। अब यह है ज्ञान की बातें, इसमें समझाना पड़ता है। यह याद की यात्रा अलग है, इसको कहा जाता है अजपा जाप। बाबा कहते हैं ज्ञान अलग है, याद की यात्रा अलग है, जिसको अजपा जाप कहते हैं। जपना कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं कहा जाता है अजपा जाप, लेकिन इसमें जपना नहीं है, अर्थात निरंतर एक बाप की याद बनी रहे। जपना कुछ नहीं है, अंदर में भी शिव शिव नहीं कहना चाहिए, सिर्फ बाप को याद करना है। यह तो जानते हो शिव बाबा बाप हैं, हम आत्माएं उनकी संतान हैं। वही सन्मुख आकर कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मैं कल्प कल्प आता हूँ पावन बनाने। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाने का। यह है बुद्धि का योग अथवा संग बाबा के साथ। संग से रंग लगता है। बाबा कहते हैं बुद्धि का योग बाबा के साथ है, इसका भावार्थ है बाबा के संग है। और जहाँ भगवान का संग है वहाँ उनके गुणों का रंग बच्चों को लगता ही है। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे, बाप से बुद्धि योग लगाने से तुम पार हो जाते हो, फिर उतरने शुरू कर देते हो। उनके लिए गायन है सत का संग तारे कुसंग डुबोए, उसका अर्थ भी भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते। तुम समझते हो हमारी आत्मा पतित है, वह पावन परमात्मा के साथ बुद्धि का योग लगाने से पावन बनती है। आत्मा को परमात्मा को याद करना पड़ता है। जब आत्मा प्योर बने तब शरीर भी पवित्र बने, सच्चा सोना बने। यह है याद की यात्रा। योग अग्नि से विकर्म भस्म होते हैं, खाद निकल जाती है। तुम जानते हो सतयुगी नई दुनिया में हम पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे, सुला कला संपूर्ण भी थे। अभी कोई कला नहीं रही है, इसको कहा जाता है राहु का ग्रहण। अर्थात बाबा कहते हैं जब आत्मा में कला होती है तो रोशनी होती है, खुशी होती है, संपन्नता होती है। लेकिन जब आत्मा कलाहीन होती है तो काली होती है। जैसे ग्रहण लगने से अंधियारा हो जाता है, ऐसे आत्मा में भी कोई गुणों की रोशनी नहीं रहती है। सारी दुनिया खास भारत पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, तन भी काले हैं, जो भी इन आँखों से देखते हो सब काले हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। श्याम सुंदर का अर्थ भी कोई नहीं जानते, कितने नाम मनुष्यों के रख दिए हैं। अब बाप ने आकर अर्थ समझाया है, तुम ही पहले सुंदर पावन फिर श्याम पतित बनते हो। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम सुंदर पावन बन जाते हो, फिर भी यह बनना है श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम। उसका अर्थ बाप ने आत्माओं को समझाया है। हम आत्माएं एक बाप को ही याद करती हैं। बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा बिंदी हैं।
इसको कहा जाता है आत्मा की रियलाइजेशन। फिर देखने के लिए इनसाइट चाहिए। बाबा कहते हैं आत्मा है, उसको देखने के लिए, समझने के लिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। यह तो है समझने की बातें, आत्मा को समझना है। मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। हम यहाँ शरीर में आकर पार्ट बजाते हैं। पहले पहले हम आते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार सतयुग में। आत्माएं तो सब है, कोई मैं पार्ट कितना, कोई मैं कितना, यह बड़ा भारी बेहद का नाटक है। इसमें नंबरवार कैसे आते हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं, यह तुम जानते हो। पहले पहले देवी देवता घर आना है, यह नॉलेज भी तुमको अभी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा कहते हैं यह आत्मा की ड्रामा की सारी नॉलेज अभी तुमको संगम पर मिलती है। बाद में फिर यह कुछ भी याद नहीं रहेगा। बाप खुद कहते हैं यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। किसी को भी यह पता नहीं है कि देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई। चित्र तो है, परंतु कैसे स्थापन हुआ किसको भी पता नहीं। तुम बच्चों को पता है, फिर तुम औरों को आप समान बनाते हो। बहुत हो जाएंगे तो जरूर फिर लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा, अर्थात ज्यादा लोग सुनने वाले होंगे तो स्पीकर भी रखना पड़ता है। अभी तो देखो बाबा की कितनी सारी युक्तियां हैं, फोन द्वारा, टीवी द्वारा, इंटरनेट के द्वारा बाबा के महावाक्य, अव्यक्त महावाक्य, लाइव क्लासेस भी सुनते रहते हैं। बहुत बड़े हॉल की भी दरकार पड़ेंगी। जैसे कल्प पहले जो कुछ एक्ट थी वही फिर होंगी, यह समझ में आता है। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा ने समझाया था शादी के लिए जो हॉल आदि बनाते हैं उनको भी समझाओ। यहाँ भी शादी के लिए धर्मशाला आदि बना रहे हैं ना। कोई अपने कुल के हैं तो जड़ समझ जाते हैं, जो इस कुल के नहीं होंगे वह विघ्न डालेंगे, जो इस कुल के होंगे वह मानेंगे कि यह सत्य कहते हैं, जो इस धर्म के नहीं होंगे वह लड़ेंगे, कहेंगे यह तो रस्म चली आ रही है, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। फिर बाप आए हैं पावन बनाने, तुम पवित्रता पर जोर देते हो इसलिए कितने विघ्न पड़ते हैं। आगा खा है उनका कितना मान है, पोप का भी मान है। तुम जानते हो पोप क्या आकर करते हैं, लाखों करोड़ों शादियां कराते हैं, बहुत शादियां होती हैं, पोप आकर हथियाला बंधवाते हैं, इसमें वो लोग इज्जत रखते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ ज्ञान भी ऊंच है तो धारणा भी ऊंच है, इसलिए पवित्रता की धारणा में ही सबसे ज्यादा विघ्न पड़ते हैं। महात्माओं को भी शादी पर बुलाते हैं, आजकल सगाई भी कराते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यह ऑर्डिनेंस निकालना मासी का घर नहीं है, इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। आगे चलकर धीरे धीरे समझते जाएंगे, अर्थात बाबा कहते हैं जो सत्य ज्ञान है, सत्य बात है, वह आगे चलकर सब समझते जाएंगे कि प्योरिटी के आधार से ही सत्य धर्म की स्थापना होती है। आदि सनातन हिंदू धर्म वाले जो हैं उनको समझाओ, वह जड़ समझ सकते हैं कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू। जैसे तुम बाप द्वारा जान गए हो वैसे और भी समझकर वृद्धि को पाते रहेंगे, यह भी पक्का निश्चय है। यह कलम लगता जाएगा, अर्थात बाबा कहते हैं यह भी पक्का निश्चय है कि बाबा के बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे, नई नई कलम लगती रहेंगी। तुम बाप की श्रीमत पर यह देवता बनते हो, यह है नई दुनिया में रहने वाले। पहले तुमको यह थोड़े ही मालूम था कि बाप संगम युग पर आकर हमको ट्रांसफर करेंगे, जरा भी पता नहीं था। अभी तुम समझते हो सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग इसको कहा जाता है। हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बनेंगे। हर एक को अपने दिल से पूछना है। स्कूल में जिस सब्जेक्ट में कच्चे होते हैं तो समझ जाते हैं हम नापास होंगे, यह भी पाठशाला है, स्कूल है। गीता पाठशाला तो मशहूर है, फिर उनका नाम थोड़ा थोड़ा फिरा दिया है, चेंज कर दिया है। तुम लिखते हो सच्ची गीता, झूठी गीता, तो भी बिगड़ पड़ते हैं, जरूर खिटखिट होंगी, इसमें डरने की बात नहीं।
बाबा कहते हैं नया निराला ज्ञान है तो खिटखिट तो होंगी, इसमें डरना नहीं है। आजकल यह तो फैशन पड़ गया है, बसों आदि को जलाते आग लगाते रहते हैं। जिसने जो सिखाया वह सीखे हैं, आगे से भी जास्ते सब सीख गए हैं। सब पिकेटिंग आदि करते रहते हैं, अर्थात धरना आदि देते रहते हैं। गवर्नमेंट को भी हर वर्ष खोट घाटा पड़ता है तो फिर टैक्स बढ़ाए जाते हैं। एक दिन बैंक आदि सबके खाने खोल देंगे, अनाज आदि के लिए भी जांच करते हैं, कहाँ जास्ती तो नहीं रखा है, अर्थात रेट पड़ती है ना। तो बाबा कहते हैं अंत में यह सब होगा, कहीं जास्ती अनाज तो नहीं रखा है। इन सब बातों से तुम छुटे हुए हो, तुम्हारे लिए मुख्य है ही याद की यात्रा। बाप कहते हैं मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं, मेरा तो सिर्फ काम है रास्ता बताना, तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। इस समय तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकतु होता है, रही हुई अर्थात बची हुई बीमारी आदि सब बाहर निकलेंगी। पिछाड़ी के रहे हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकतु होना है, डरना नहीं है। बाबा पहले से ही सावधान कर रहे हैं कि यह सब होना है, इसलिए डरना नहीं है, बल्कि अपने आप को इन सब सिचुएशन का सामना करने के लिए प्रिपेयर करना है। बीमारी में भी मनुष्यों को भगवान की याद दिलाई जाती है ना। तुम हॉस्पिटल में भी जाकर नॉलेज दो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं, भविष्य 21 जन्मों के लिए हम गारंटी करते हैं कभी बीमार नहीं होंगे। एक बाप को याद करने से भी तुम्हारी आयु बड़ी होगी। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे जाकर हॉस्पिटल में समझाना है, बाबा का परिचय देना है, याद की विधि समझानी है और याद से प्राप्तियां भी बतानी है। भारतवासियों की आयु बड़ी थी, निरोगी थे, अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। पुरुषोत्तम अक्षर तो कभी भी भूलो नहीं, कल्प कल्प तुम ही बनते हो, ऐसे और कोई कह न सके, तो ऐसी ऐसी सर्विस बहुत कर सकते हो। बाबा कहते हैं जो भी पेशेंट्स हॉस्पिटल में हैं उनकी ऐसे ऐसे सेवा कर सकते हो। डॉक्टर से तो कोई भी समय टाइम ले सकते हो, नौकरी करने वाले भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। मरीजों को बोलो हमारा भी बड़ा डॉक्टर है, अविनाशी बेहद का सर्जन है, हम उनके बने हैं जिससे हम 21 जन्म निरोगी बनते हैं। हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ कि हेल्थ के लिए इतना माथा क्यों मारते हो, सतयुग में मनुष्य बहुत कम थे, शांति सुख पवित्रता सब थी। बाबा आज हेल्थ के रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको समझाने के लिए कह रहे हैं कि तुम मिनिस्टर को भी ऐसे ऐसे समझा सकते हो कि याद से आत्मा 21 जन्म निरोगी बनती है। सारी दुनिया में तुम ही सबका कल्याण करने वाले हो, तुम पंडे हो ना, पांडव संप्रदाय हो, यह किसी की बुद्धि में नहीं होगा। फूड मिनिस्टर को समझाओ, पहले पहले सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर तो शिव बाबा हैं, इसलिए भोलानाथ का भंडारा गाया जाता है ना, काल कंटक सब दूर होते हैं, इतना अनाज देते हैं जो स्वर्ग में कभी खोट नहीं होंगी, अर्थात अनाज की कमी कभी नहीं होंगी। अभी तुम हो संगम युग पर, सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, इसलिए तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी भारत इंसॉल्वेंट बन गया है, अकल वाले आकर अकल सिखलाते रहते हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। क्योंकि बाबा कहते हैं जब आत्मा इंसॉल्वेंट बन जाती है तो खुद की शक्ति कम हो जाती है, फिर दूसरे राजा आकर भारत में राज्य करते हैं और अपनी बुद्धि के अनुसार प्रजा को चलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, एक बाप को साथी बनाकर तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से खाऊं, यह अनुभव करना है। कुसंग छोड़ सत के संग में रहना है। दूसरा, कर्मों का हिसाब किताब याद की यात्रा और कर्म भोग से चुकतु कर संपूर्ण पावन बनना है। संगम युग पर स्वयं को पूरा ट्रांसफर करना है। आज बाबा ने वरदान दिया, दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मर्जीवा भव।
दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मर्जीवा भाव। स्पष्टीकरण है, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना सरेंडर होना। जब दिल से कहते हो मेरा बाबा तो बाबा भी कहते हैं बच्चे सब कुछ तेरा, चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा तो बाबा ने अपना बना लिया। यह दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले, ऐसे सरेंडर होने वाले ही मर जीवा ब्राह्मण हैं। आज बाबा कहते हैं जो बच्चे दिल से कहते हैं मेरा बाबा तो बाबा भी अपना सब कुछ बच्चों को दे देते हैं, चाहे वो प्रवृत्ति में रहते हो चाहे सेंटर पर रहते हो। दिल से एक बार कहा तो यह सच्चा सौदा, दिल का सौदा दिल से हो जाता है। अपना हम बाबा को देते हैं और बाबा से उनके गुण और शक्तियाँ सब ले लेते हैं। इसको ही कहा जाता है संपूर्ण सरेंडर, माना श्रीमत के अंदर पर चलने वाले। आज का स्लोगन है, अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। आज 11 मार्च है, हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के नैनों की नूर, अपने दिल में दिलाराम बाप को बसाने वाली, बाप दादा का रथ छोटा नंदी दादी गुलजार जी 11 मार्च 2021 को अव्यक्त वतनवासी बनी। आज उनके पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब उनके अनमोल वचन अपने जीवन में उतार कर उनके स्नेह और बाप दादा की पालना का रिटर्न करें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। गुलजार दादी जी द्वारा उच्चारे हुए कुछ अनमोल वचन, पहला है, अपनी सब जिम्मेवारियां बाप को देकर डबल लाइट रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। दूसरी बात कही, मन बुद्धि को एक बाप में लगाकर एकाग्र करना ही सच्ची साधना है। तीसरा, परमात्मा प्यार ही निस्वार्थ प्यार है, इसके रिटर्न में सिर्फ समान बनो। चौथा, बाप के साथ का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो। पांचवा, सर्वशक्तिमान बाप साथ हैं तो सदा मौज में रहो, न मुंजो न घबराओ न कभी दिल शिकस्त हो। छठा, अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने के लिए डबल लाइट बनो। सातवा, बाबा को दिल का हाल सुनाओ, नैनों में बसाओ तो किसी में आंख नहीं डूबेंगी। आठवा, अंतिम समय में मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। ये है दादी के अनमोल वचन, जिसको धारण करना, अटेंशन रख कर चलना, यही दादी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होंगी। आज 11 मार्च का अव्यक्त इशारा है, इशारे का सार है, सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। आज बाबा ने कहा, सतयुगी बादशाही इस संगम युग की बेफिक्र की बादशाही के आगे कुछ भी नहीं है। वर्तमान समय की प्राप्ति का नशा खुशी सतयुग की बादशाही से पदम गुणा श्रेष्ठ है, तो स्थायी स्वरूप में इसी नशे और खुशी में रहो। आज बाबा ने विशेष संगम युग की स्थिति का महत्व बताया कि जो संगम युग की स्थिति है वह सतयुग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी हम आत्मा को प्राप्ति का नशा रहता है, क्या प्राप्ति हो रही है उसकी स्मृति रहती है तो खुशी सदा बनी रहती है, कि संगम युग की स्थिति पदम गुणा हर युग से श्रेष्ठ है। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।